यवतमाळतील आर्णी मार्गावरील जगदंबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रयोगशाळेत 26 डिसेंबर रोजी दुपारी सहायक प्राध्यापकाने गळफास लावून आत्महत्या करीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल केला। तोपर्यंत त्या प्राध्यापकाला प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानाने आत्महत्या करण्यापासून रोखले। सहायक प्राध्यापक मोहम्मद वसीम अब्दुल कादर वय 37 राहणार कोहिनूर सोसायटी पांढरकवडा रोड यवतमाळ हे जगदंबा अभियांत्रिकी ते केमिस्ट्री हा विषय शिकवितात। त्यांनी संस्थेचे सचिव डॉक्टर शीतल अजाबराव वातिले व प्राचार्य हेमंत बारटकर यांच्याकडून मानसिक छळ होत असून वेळेवर वेतन दिले जात नाही, कोणतेही कारण नसताना कारणे दाखवा नोटीस बजावून उलट सुलट विचारपूस केली जाते असे आरोप व्हायरल केलेल्या व्हिडिओतून केले। मैं मोहम्मद वसीम जगदम्बा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ 26/12/2002 को, क्योंकि मैं मेंटली बहुत परेशान हो गया हूँ, मानसिक त्रास मिल गया है, इसकी वजह से आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और इसके जिम्मेदार जो है वो जगदम्बा कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर शीतल वातिले और हेमंत बारटकर प्रिंसिपल है, जिन्होंने मुझे मानसिक त्रास दिया है और मुझे आत्महत्या करने के लिए उन्होंने उसकाया है। इसके लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, इन्होंने मुझे बहुत मानसिक त्रास दिया और आज मुझे मजबूर किया है कि मैं आत्महत्या करूँ। ओके, मेरे को सैलरी जो है मेरे अप्रूव होने के बाद भी मुझे पूरी नहीं मिल रही, मेरे को CL भी नहीं मिलता है और मुझे मानसिक त्रास दिया हुआ है। कल 25 तारीख हॉलीडे होने के बाद भी इन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दिया है। ओके, क्योंकि कल मेरे अंकल की डेथ हो गई थी और मैं 2 बजे से चले गया था, लेकिन मैंने इन्फॉर्म सबको किया था, मैंने पूरी फॉर्मेलिटी करके गया था, फिर भी मुझे शो कॉज हॉलीडे के दिन मिला है। इस तरह मुझे मानसिक त्रास दिया जा याच जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचे सांगितले। शुक्रवारी काकांचा मृत्यू झाल्याने महाविद्यालयातून दुपारी पूर्ण काम करून निघून गेलो होतो। शुक्रवारी क्रिसमसची सुट्टी असतानाही 1:30 वाजेपर्यंत कामकाज केले। त्यानंतर शनिवारी दिनांक 26 डिसेंबर रोजी परत आल्यानंतर महाविद्यालय प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा आरोप प्राध्यापक वसीम यांनी केला।